तो फार्म टुगेदर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं थोड़ा मतलब कैरेक्टर को कस्टमाइज़ किया और उसको एक ड्रैगन वाली ड्रैगन या इसको क्या बोलते हैं मगरमच्छ वाली टोपी पहना दी मैंने। कैसा दिख रहा है यार, कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे नए स्टॉल्स लगा लिए हैं यार। देखो अपना वेल है, यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ। और यहाँ पर फ्रूट है ना, फ्रूट को थोड़ा बेच ही देते हैं। फ्रूट वाला वेजिटेबल स्टैंड मैंने दो लगा लिया है। वैसे दो वेजिटेबल स्टैंड, और यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। फ़िश के लिए फ़िश अभी, हाँ फिश ना कॉटन रेडी है यार। मैंने कल ना यहाँ पे कॉटन लगा लिया था तो अभी ये रेडी हो चुका है। यस बहुत सही है यार, बहुत सारी नई नई चीज़ें ना मैं यहाँ पे लगा लिया है। अपने पास जब से ट्रैक्टर आया ना तब से मतलब खेती की स्पीड बढ़ गई है, बढ़ गई है। चलो यहाँ पे मैं सभी फल को तोड़ लेता हूँ। हार्वेस्ट, ओह सॉरी, कुछ 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 चीज़ें रेडी नहीं होती ना, उसका सीज़न नहीं होता तो क्या ही कर सकता हूँ अभी। चलो 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 चलो, यहाँ पे सभी चीज़ें ले लेता हूँ मैं। वैसे इसकी एवरेज में ऐसा है कि जब भी मैं ऐसे करके कूदाऊँगा ना तभी इसकी एवरेज कम होगी, वरना ऐसे घुमाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। जब भी इसको कुदाएंगे तब इसकी एवरेज कम होती रहेगी। देखें जैसे कि अभी कुदाया फिर से कम हो गया, तो ये ऐसा है। और अपनी मैंने यहाँ पे मैंने एक अपनी बिल्ली रख ली थी यार। बिल्ली 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 देखो मस्त ना, नई बिल्ली मतलब ये वाली अच्छी बिल्ली। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा मटर लगाया, फिर यहाँ पे अपनी लेमन तो मैंने कल भी डाले थे। ये देखो यहाँ पे इसको क्या बोलना है, हार्वेस्टिंग लैंड। पर यहाँ पे मैंने कुछ डाला नहीं है ना, ओके ये भूल गया मैं लगता है। देखो पैसे मेरे पास बिल्कुल भी ख़त्म हो चुके हैं मतलब, तो यहाँ पे सभी चीज़ों को ना एक बार हार्वेस्ट करके देख लेते हैं कि कितना पैसा हमारे पास होता है। सभी चीज़ें ले लेते हैं, सभी चीज़ें मतलब ये ना हाथ से उठा लेता हूँ मैं। फिर कितने पैसे भरे देखो ना, 88 यार। इतना मैंने सिर्फ यहाँ का उखाड़ा मतलब सामान यहाँ पे लिया, हार्वेस्ट किया यहाँ पर इतु सा, फिर यहाँ पे 88 हो गए। देखो 89, वाओ कितने मिल रहे हैं यहाँ पर, 1000। अरे यार इसने तो हमको माला माल कर दिया बीट ने। ये बीट बीट ना कल मेरे को मिला था यार, जैसे जैसे ऑफलाइन में, ऑफलाइन मतलब हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ रिकॉर्डिंग कर रहा ना गेम प्ले वहाँ पे, इसलिए। तो फिर ज़्यादा बंदे आएंगे ना चैनल पे तो मैं ना स्ट्रीम वैसे करता हूँ दूसरी चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर ज़्यादा बंदे हैं यहाँ पर भी हो गया और कमेंट करेंगे तो दूसरी चैनल को चेकआउट कर लेना, वहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा फार्म टुगेदर की। अगर आपको पसंद है तो देखना और कमेंट भी कर देना। हाँ भाई लोग ठीक है मतलब, हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी। ब्लैक चलो 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 हार्वेस्टिंग। अरे 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 1 लाख रुपये होंगे क्या, क्या कह रहे हो 1 लाख हो गए इतनी जल्दी। यहाँ से भी सब उखाड़ लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं हम, कुछ नहीं रखेंगे यहाँ पर। ओके ब्लू ग्रेप, ब्लू ग्रेप है क्या मेरे पास वैसे? यहाँ पे नई चीज़ें, यहाँ पे ये मैंने 3 लगाए हैं। ग्रेप्स रेडी हो चुके हैं, ये ले लेता हूँ, यहाँ पे भी ले लेता हूँ। तो ग्रेप्स वाला ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे अपना खाना देना पड़ेगा ना मुर्गियों को, मुर्गी और यहाँ पर ये अपना पिग है ना, उनको थोड़ा थोड़ा खाना देना ही पड़ता है। मैं एक सेक्शन यहाँ पे एक अलग से भी बना देता हूँ यार, यहाँ पे गाय लगा लेते हैं। पैसे है ना तो 10 गाय ले लेते हैं, क्योंकि गाय का अभी, अरे गाय बकरी भेड़ सभी चीज़ आ गई। डक है न्यू, वैसे ये चिकन है उन्होंने लगाया, ये वाला बाकी है रॉक चिकन पाइलम माउथ, वैसे मेरा प्रोनाउंसिएशन अभी। अरे यहाँ पे खरगोश भी लगा लेते हैं साइड पे। चलो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं खरगोश को लगाना, और 12 ना 12 लगा लेता हूँ, और ये हो चुका है 12। कितना खाना है इनको भी, अरे 3000 का तो खाना ही हो जाता है इनका भी, 3 घंटे में ये रेडी होते हैं। यहाँ पे पिग्स को खाना दिया, यहाँ पर बाकी है क्या, यहाँ पर दे दिया मैंने, यहाँ पे खाना अभी भी देना है। वाओ पिग्स एंड अपने सेब रेडी। ऊपर के एंगल से ना बहुत ज़्यादा एरिया को हम देख सकते हैं एक साथ, पर पास से ना इसकी डिटेल हम देख सकते हैं यार, पास से देखो इतना डिटेल में हम देख सकते हैं। हाँ
इसका 50 का ऑर्डर आया था ना, 50 ले लेते हैं जल्दी जल्दी 50। इसी के साथ 50 हो गए हैं, यहाँ पे एक बचा है, एक को भी ले लेते हैं। पहले तो मैं ना खेत ना सारे इसको रख लेता हूँ, अरे अभी पेट्रोल इसका ख़त्म होने वाला, तो मैं ना एक दूसरा गैस स्टेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे गैस स्टेशन हमने कर लिया, ओके यहाँ से फुल कर लेते हैं ताकि दोनों जगह से हम, मैं एक बाई एक एक बार ले लूँगा ताकि दिक्कत ना आए कोई। ऐसे देखो यार 1 लाख हुए फिर ख़त्म हो जाएंगे 1 लाख के, 1, 2, 27 ना 28, 29, 30 अभी भी मेरे को लगा 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 ओके 20 और वो 27 अजी अभी भी मेरे को 3 लगाना पड़ेगा यार, वरना दिक्कत हो जाएगा, 3 के लिए फिर मेरे को ज़्यादा टाइम लगाएगा। यहाँ पे हमारा फार्मिंग बढ़ रहा है यार, फार्मिंग वाला। यहाँ पे वीट देखो, वीट यार वीट भी तैयार हो चुका है। पिछली वाले वीडियो में मैंने बताया था ना यार अपने प्रॉपर्टी खरीदी थी यार, यहाँ पे मैंने पम्पकिन थे ना पम्पकिन को निकाल लिया था, तो पम्पकिन तो अभी नहीं है, पर ये वीट ना फिर से मैंने लगा लिया था। देखो यहाँ पे मैंने किया था अपना, क्या किया था यहाँ पे, अभी थोड़ा बहुत पम्पकिन था ना, कॉटन को निकाल लेता हूँ ना, 1, 2, 6 बार में हो गया, ये अच्छी बात है। देखो पैसे 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 ही पैसा। और यहाँ पे अपना एलोवेरा अगवे ये क्या है, मेरे को नाम भी नहीं आता इसका, तो देखो ऊपर से बहुत बढ़िया लग रहे हैं यार, इसको भी हम निकाल लेते हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। कुछ नई रेसिपी मतलब नया अनलॉक होगा ना, उनको भी फिर आज लगा ही लेते हैं, देखते हैं कुछ नया आया क्या। नए में अपनी फ़िश, ओ भाई अभी फ़िश यहाँ पे नहीं लगानी, बस नया कुछ है, ये वाली फ़िश भी नई है, सैल्मन, अरे सैल्मन ये नाम सुना सुना क्यों लगता है मेरे को, यू नो। अरे फूल यार यहाँ पे हमारा फूल वाला है, फ्लावर्स ये वाला नया है यार, कैलिफोर्निया पॉफी, ये कौन सी है पॉपी नाम नहीं पता, पॉपी पॉफी जो भी है कमेंट में लिख देना मेरे को यार, इसको ये ऐसे बोलते हैं, पर तुम अगर इंग्लिश में लिखोगे तो मैं तो वैसे ही प्रोनाउंसिएशन करूँगा गलत सीन हो जाएगा ना। सब डेकोरेटिंग वाला बाद में रखते हैं। देखो ये वाला अपना क्या है, स्प्रिंकलर, ओके फवारा, स्टोन वॉल, वॉल भी है, डोर है, ये सब मेरे को अभी नहीं चाहिए, बाद में लगा लूँगा पहले। अरे ये कॉर्न लगाया था ना, 2 दिन लगेंगे, इधर कॉर्न की खेती कर लेते हैं, चलो लग जाओ कॉर्न। चार अच्छा है बाबू भैया, पहले इधर के सेक्शन में मैं बना ही लेता हूँ ताकि 3-3 के सेक्शन हो ना यार, तुरंत निकालने में आसानी है, आसानी हो जाएगी हमको। ये वाला बढ़िया है, ओके इधर सभी जगह पे लगा लेते हैं कॉर्न, 2 दिन में रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको भी पता चल जाएगा। वैसे अगर मैं डालूँगा ना वीडियो तो अपडेट हो जाना, और इसी बात पे आप सब्सक्राइब कर देना ताकि आप भी अपडेटेड रहो, अपडेटेड क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा तोतला हो गया हूँ, तोतला से सेक्शन में भी डाल लेते हैं, 3 सेक्शन है गाइस। जैसे कि आप देख रहे हो अभी मैं ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर से, मतलब रात को थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था, अब दोपहर हो गई है, और देखो मैंने अपने कैरेक्टर को भी थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ किया है, अपने बिल्ली को भी थोड़ा बहुत, ना बिल्ली को कुछ नहीं किया, ओके अपने कैरेक्टर के बाल थोड़े सुपर सैयन गॉड वाले दे दिए मैंने, सुपर सैयन जी गॉड और सुपर सैयन यस ब्लू है अपनी, ओके मुर्गियाँ हो गई है रेडी, इसको भी हम ले लेते हैं,
ट्रैक्टर से इतना इजी होता है ना यार काम करना, बहुत इजी होता है ट्रैक्टर से। अपना देखो अपना कैरेक्टर अभी कैसे उछलेगा, मस्त ना, एनिमेशन बहुत बढ़िया है इसका। बस खाना डालने के लिए इनको यार उतरना पड़ता है ट्रैक्टर से हमको, मतलब बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। ओह यहाँ पे पिग का भी रेडी हो चुका है, तो पिग को भी हम कर सकते हैं सर। यो हाँ ओके, इनफ फूड है यहाँ पर। और अपने खरगोश मैंने कल परचेस कर लिए थे, यस यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना दे देता हूँ। इन जानवरों का ना कुछ ऐसा सीन है कि अगर यहाँ पर हम टाइम से खाना देते रहेंगे ना तो ये काम होता रहेगा उनका, वरना एक बार अगर हम खाना नहीं डालेंगे ना टाइम पर तो उनका टाइम भी रुक जाएगा। मरेंगे वरेंगे नहीं, लेकिन इनका रेडी होने का टाइम ना वो रुक जाएगा। खरगोश का पता नहीं क्या मिलेगा हमको, पहली बार ही मैंने किया है खरगोश को। यहाँ पे कुछ और लगा लेते हैं यार, पैसे कम हो गए ना तो थोड़े बहुत डायमंड से हम नई चीज़ें। अरे ये मलबरी, ये कुछ नया है। यहाँ पे बहुत सारे नए झाड़ आ चुके हैं, पीच ट्री, पीच अपने चेरी ट्री, चेरी वैसे वैसे नहीं है वरना चेरी भी लगा लेता। तो सबसे पहले पिग वाले सेक्शन पे चलते हैं, यहाँ पे हम खरगोश लगा सकते हैं। अरे काओ, वाओ काओ के लिए अभी सीज़न नहीं है, ठीक है काओ के लिए तो फिर पैसे चाहिए यार, पैसे नहीं है फिलहाल, फिलहाल पैसे को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ना घर ही बना लेता हूँ कहीं पर, वहाँ पर चलते हैं कुछ नई चीज़ खरीद लेते हैं। पैसा ना यार, इस गेम में पैसा भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हमारे पास क्या था, कुछ नहीं था, ज़्यादा पैसा भी नहीं था, फिर भी इतने सारे पैसे कर लिए हमने ना, 50,000 यार बहुत सही चीज़ है। हाँ एनिमल फीडर यहाँ पे लगा के देखते हैं, एनिमल फीडर, एनिमल फीडर, और ये लग जाएगा यहाँ पर। टू के, अरे 2,000 का गया यार, लेकिन यहाँ पे काम करता रहेगा ना, मेरे को ऐसा पता नहीं है पर शायद से करता रहे। ठीक है इसका वर्क भी देखना पड़ेगा कैसे वर्क करता है। एनिमल फीडर है, एनिमल फीडर मतलब खाना देने के लिए हमको फिर बार बार यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, वरना खाना ख़त्म हो जाएगा, ये लोग रेडी भी नहीं होंगे, पैसे भी नहीं है हमारे पास। बी हाइव ले लेते हैं, 10 डायमंड की है ये बी हाइव, इधर लगा ही लेता हूँ। और 9 और ये रहे अपने 10, ठीक है। हनी स्टैंड लगा लेते हैं, हनी स्टैंड इधर लगाता हूँ मैं, चलो यहाँ पे हनी स्टैंड। ओके हनी रेडी होगी, फिर यहाँ पे हम हनी स्टैंड, यस अरे हनी स्टैंड को मैंने थोड़ा उल्टा लगा लिया। ओ यहाँ पे हनी स्टैंड हमारी सीधी हो चुकी है, इधर हमने मशरूम लगाए और टोमेटो लगाए हैं, टोमेटो भी रेडी होने का बाकी है। और आप इधर देख सकते हो कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अपनी बेकरी मैंने लगा दी है, और यहाँ पे मिल्क स्टैंड लगा दिया है, हाँ मैंने गाय ले ली है, और यहाँ पे कुछ ये हनी बीज, बी हाइव लगाए हैं 10, हाँ 10 के करीब मतलब लगाए हैं 10 के करीब, हाँ यस। यहाँ पे अपना गैस स्टेशन है जो कि आपको पता ही है, थोड़ा गैस ले लेते हैं। यहाँ पे हनी बी, इसको क्या कहते हैं, हनी स्टैंड, ओके हनी स्टैंड है। यहाँ पे अपना ग्रेप्स जूस स्टैंड है, इससे बनेगा जूस, ओके। और यहाँ पे अपना रेड सीलो पता नहीं अभी कुछ हो नहीं रहा वैसे, हाँ यहाँ पे वीट का कुछ सीन है जो कि हम स्टोर कर सकते हैं वीट वगैरह। और यहाँ पे है अपना फ्रूट स्टैंड जहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल है हमारे पास, तो वेजिटेबल बेच देते हैं। फिर ये पर फ्रूट स्टैंड है जो कि फ्रूट भी बहुत सारे हैं, और यहाँ पे पूरा खेती वाला ही करूँगा काम ताकि मज़ेदार लगे ना, यस। यहाँ पे अगर बीच में जाना है ना तो ऊपर वाला एंगल करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम स्प्रिंकलर्स लगे हैं ना तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी ऐसे पानी देने की, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। स्प्रिंकलर के लिए बहुत सारे बैजेस चाहिए जो कि बैज हमको मिलेंगे एक क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद, तो मेरे को बहुत सारी क्वेस्ट करनी पड़ेगी यार, मतलब कंप्लीट तभी जाके हमको बैजेस भी ज़्यादा मिलेंगे और फिर हम नई नई चीज़ें भी ज़्यादा ले सकेंगे। तो बने रहिए यहाँ पे, देखो यार कुछ खाली खाली है ज़मीन क्योंकि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे आज, देखो जैसे कि बहुत सारे पैसे आ गए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ये ले ले तू भी,
और मशरूम तू भी पानी ले ले, क्योंकि ये थोड़ा लेट मैंने लगाया था, पैसा ख़त्म हो गया था मेरे पास। यहाँ पे दो को पानी देना था और इन दोनों को भी पानी दे दिया। ओके, तो चलो वहाँ पे दूसरी तरफ मैं ले चलता हूँ, क्या है उस तरफ। यहाँ पे अपनी मुर्गियाँ हैं, मुर्गियाँ इनको खाना ख़त्म हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। फिर काम करना बंद कर देते हैं यार, फिर उतना ही टाइम लगेगा। इसलिए मैंने ना यहाँ पे अपनी गाय लगाई है। ओके, देखो यहाँ पे गाय है अपनी, इसका मिशन आया था मतलब क्वेस्ट, तो क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए मैंने लगा लिया है। यहाँ पे खरगोश है और यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक क्या इसको एनिमल फीडर, हाँ ये ऑटोमेटिक काम करता रहता है। इसमें सिर्फ हमको डालना होता है, जो कि ये काम करता रहता है 15 मिनट के बाद। ओके, मतलब 15 मिनट और उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाना कम होता जाता है, हाँ ऐसा है। तो एनिमल फीडर काफ़ी यूज़फुल है, हाँ यूज़फुल है, पर उसके ना प्राइस भी देखो यार अच्छी खासी है। देखो देखो देखो, अरे किधर गया, हाँ हाँ यहाँ पर है। देखो एनिमल 4 बैज का एक आता है यार, मुझे तो मैंने ट्राई करने के लिए लगा लिया है, वरना यह बहुत महंगा हो जाता है। यहाँ पे खाना ख़त्म हो गया क्या, मैंने एक बार डाला तो सही, डाला तो था। ओके, जल्दी जल्दी खाना ख़त्म हो रहा है यार। अपने पिग्स का लेवल जब तक मतलब बढ़ रहा है ना, जब जब तब तक इनका वो भी हो रहा है यार, खाने का सामान। यहाँ पे हम ले लेते हैं मछलियाँ 1K। यहाँ पे मछलियाँ लेने के लिए, मछलियों का मैं फार्म यार थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, तो उनको बढ़ाने के लिए मेरे को थोड़ी सी ज़मीन लेनी पड़ेगी। ये बीच वाली ज़मीन ले लूँ क्या, है? ये वाले बीच वाली लेके देखते हैं कितने के पड़ेगा। 225 डायमंड, 225 का है यार। आसपास दूसरा देख लेता हूँ यार, ये यहाँ पर थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, थोड़ा ये ऊपर है थोड़ा नीचे है, ऐसा हो रहा है यार। ये वाला फार्म अपना ऐसा है, यहाँ पे पानी दे ही देता हूँ आया हूँ तो, थोड़ा सा जल्दी रेडी हो जाएगा वीट को, पानी देख देख कर टाइम हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा रेडी यार। मैं क्या लगाऊँ अभी फ़िलहाल, 6 घंटे वाला लगा लेता हूँ यार, बीट लगा लेता हूँ। अरे बीट से कितना फ़ायदा हो रहा है, 800 रुपये में 1. ओके, बीट लगा लेता हूँ। बीट के लिए कितने पैसे, पैसे कम तो नहीं पड़ जाएंगे ना यार पूरे फार्म में ना, पता चले यार पूरा फार्म करते करते ना पूरे पैसे ही अपने ख़त्म हो गए, फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा। अपने एनिमल को फीड करने के लिए फीडर लगाना पड़ेगा, फिर तो सब ठीक ही है, क्योंकि उन सभी चीज़ों को ना टाइम से देना पड़ता है खाना, वरना वो रेडी नहीं हो। क्या ये ले डालें, वाटरमेलन लगाते हैं यार। चलो यहाँ पे वाटरमेलन, ऐसे भी 2 दिन के बाद यहाँ पे मैं लूँगा तो कोई दिख रहा नहीं, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। अभी भी 1 लाख बचे हैं यार, क्योंकि ग्रेप्स की वैसे भी कमी है। और यहाँ पे पूरे ग्रेप्स लगा लेते हैं, ग्रेप्स थोड़ा ऊपर का एंगल करता हूँ ना, ताकि दिक्कत ना आए खेती करने में नहीं देखने में, वरना कोई दिक्कत तो है ही नहीं खेती में भी। वैसे भी यहाँ से शॉर्टकट मार लेते हैं, शॉर्टकट ओपी इन द चैट गाइस, जो भी देख रहा है ना, शॉर्टकट ओपी इन द चैट। यस, यहाँ संडास के बाजू में ही है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल खाद भी मिल जाएगी ना इसको क्या बोल रहा हूँ, वैसे भी यहाँ पे यार टॉयलेट टॉयलेट का सीन पता नहीं क्या है, सिर्फ सजाने के लिए है कि नहीं है पता नहीं है मेरे को भी ज़्यादा। आज तक मैं इसका यूज़ नहीं किया, मतलब अपना कैरेक्टर ऐसा होगा। यहाँ पे कुछ और लगा लेता हूँ नया, वैसे अभी वीट लगाना है क्या, वीट लगा सकता हूँ वैसे 1 दिन, चलो 1 दिन के लिए ठीक है वीट लगा लेते हैं। यहाँ पे हम वीट लगा लेते हैं। और लास्ट वाली लाइन तो वैसे भी हाथ से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो तुरंत हो जाएगा। अरे पेट्रोल ख़त्म ही हो जाएगा यार। चलो यहाँ पे पूरी ज़मीन खाली है ना, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें भर दूँगा, फिर आप लोग सिर्फ देखिए यार हो जाएगा। यहाँ पे मैं बीच में एक पेट्रोल पंप लगा ही लेता हूँ, क्या बोलते हो पब्लिक। बड़ा वाला गैस स्टेशन कितने का है, लो किधर है बड़ा वाला गैस स्टेशन। अरे नहीं लगा सकता अभी, 25 है उसकी प्राइस, तो उनके लिए तो मेरे को बहुत सारी क्वेस्ट करनी पड़ेगी। तब तक के लिए ना छोटे वाले पंप से ही हम काम चला लेंगे। छोटा वाला पंप हम कहाँ लगाए, कहाँ लगाए,
बीच में आ गया मैं तो, सॉरी। तीन की ये जगह लेता है ना, तीन तो यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या? और एक उधर है, एक इधर है, एक इधर है, मतलब चार लगाने पड़ेंगे, एक बीच में लगा दूंगा फिर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, अपना पेट्रोल पंप रेडी है, और यहाँ पे अपना एनिमल फीडर यहाँ पे ओके डालना पड़ेगा। 15 मिनट के बाद मतलब हम यहाँ पे खाना डाल सकते हैं, ऐसा है। यहाँ पे अपनी गाय को भी दे देते हैं, यहाँ पे अपनी पिग्स को भी दे देते हैं खाना, वरना पिग्स ज़्यादा रेडी नहीं होते जल्दी यार। टाइम देखो यहाँ पर, मुर्गियों को भी खाना। यार एनिमल फीडर मेरे को लेना पड़ेगा, तेरा है ना बैज? बैज थोड़ा बचा के रखते हैं, एक बार हम गैस स्टेशन ले लेना, फिर सभी चीज़ें ले लेंगे धीरे धीरे करके। अपनी गाय को तो ठीक है, अरे गाय ने बहुत सारा मिल्क दिया था, डायरेक्ट बोतलों में देते हैं यार मिल्क। अल्फलाइन गोट ही था ना यार, कौन सा गोट था? अल्फलाइन गोट के 10 चाहिए, यहाँ से 10 ले लेते हैं। चलो, एक दो, तो यहाँ पे मैंने 10 लगा दिया है गोट। देखो अपनी क्वेस्ट के लिए अभी यहाँ पे ओके रेडी हो गए हैं। और वाइट अपनी पीच ट्री अभी 50 लगानी है। पीच ट्री को हम कहाँ लगाए? 50 मतलब अभी 50 ना, फर्स्ट वाला ही तो था। ओके पीच ट्री ले लेते हैं, एक दो तीन, 19, 20, 20 20 रुपीज़ का पेट्रोल भरे तो ये वाला मीम्स बहुत बढ़िया था। कितना हो चुका है हमारा अभी? लव 30, 30 मैंने लगा लिए हैं, अभी 20 लगाने हैं। ओह 51, वाओ, गलती से मैंने लगा लिए हैं ज़्यादा। अभी पीच का ट्री रेडी हो चुका है, मतलब लगाया कि रेडी, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। छः छः, ये छः छः ले सकते हैं ना? नाइस, बहुत बढ़िया। बीच वाला यहाँ पे जो जितना भी रेडी हो चुका है अपना फ्रूट, वो सभी ले लेते हैं, चाहे वो पीच हो कि कुछ और, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एप्पल भी रेडी हो चुका होगा, यस। यहाँ पे गैस स्टेशन से गैस ले लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये वाली गैस स्टेशन फुल हो चुके होगी। बहुत बढ़िया, यहाँ पे टोमेटो अपना रेडी हो चुका है यार, बहुत सही बहुत सही। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं गाइस, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं ना अपग्रेड करता रहूँगा और आप सभी को अपडेट करता रहूँगा साथ में ही। तो जो भी बंदा नया आया है, उसको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। I feel